टाइमस पोनिकारम तुपार स्टेज पर बैठे हुए हमारे पार्टी के सदर मोहतरम कश्मीर अपनी जम्मू कश्मीर में आगे रोटी खाएंगे सर नहीं चुकाएंगे मोहतरम तरफ तो पे तरफ तो डिस्ट्रिक इस्लाम आबाद के लूक तरफ पद अल्लाह तला कामयाब और टीम गई आज मगर आज से बो सदर मोहतरम खुशी बे गुजारिश कर आपसे सवाल करता तो ये रोजन वाले क्या तुझ सही तला मे वो यम चीज अपनी पार्टी कर अत मा अति मुफाद कि जम्मू कश्मीर के लुकन मुफाद ये तो पता उनको सजा क्या थी एक साल के बाद छोड़ दिया गलती क्या थी सजा किस बात की उन्होंने एक साल काटा और हमारे मीरवाइज मौलाना फारूक साहब को तो छोड़ कम से कम दिल तो सहराब होते लोगों के जब वो उनके जुमा का दिन खुतबा सुनते ऐसे ही मौलाना मंजूर साहब हैं ऐसे काफ़ी लोग हैं मौलाना बशारत साहब हैं और भी काफ़ी कितने लोग हैं मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे दीनी रहनुमा अभी निकले हैं ये जो ड्रग्स हमारी सोसाइटी में बड़ी एक बिद्दत की तरह फैले हैं उस पर ज़रूर काम करेंगे और अल्लाह के फजल से अपना योगदान अमन को बढ़ाने में ज़रूर देंगे ये इन्हीं एक दर करना तरक्की जम्मू कश्मीर के हर एक बच्चे को तरक्की चाहिए हर एक इंसान को अमन चाहिए हमने अमन देखा चाहे वो उस जमात की तरफ से अमन यहाँ कायम किया गया है जिस जमात ने हमारे सीने में खंजर घोंप दिया 370-35 से हमारे सीने में खंजर घोंपने के बराबर था लेकिन वो खंजर पकड़ने वाली आपकी ये जमातें थी उन्होंने वो खंजर हाथ में रखा चढ़ाया शायद बीजेपी ने लेकिन खंजर इन्होंने उनके हाथ में दिया शेर कभी ये सच तो बोले ना मैं आज इस अनंतता के इस अजीम जलसे से आज अपने जो सियासी हरीफ हैं जो सियासी जमातें हैं उनके सदूर को दावत देता हूं आओ अल्ताफ बुखारी के साथ लाल चौक में मुजादला करेंगे आप भी अपने सदूर को लाओ मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से आऊंगा बात करें लोगों से उसी तारीखी लाल चौक में जहां आपने हमारे लोगों को धोखा दिया गद्दारी जहां से आपने शुरू की जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सच को सच दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा अल्ताफ बुखारी तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए बात करो ना अपने सदूर को भेजो मैं नहीं कहूंगा आप अपने उन लोगों को भेजो जिनको आप कहीं 10 रुपये देते हैं 100 रुपया देते हैं 1000 रुपये से कहलवाते हैं आप सदूर साहिबान आ जाओ मैं यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहता हूँ मैं यहाँ की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कहता हूँ मैं और भी अगर किसी को शो का किसी और जमात के आदमी को कांग्रेस के सदर को कहता हूँ बाकी जमातों के सदर को कहता हूँ आ जाओ हमारे साथ मुजादला करो जम्मू कश्मीर के अवाम को हम दिखाएंगे हम सुनाएंगे और फिर फैसला अवाम पर छोड़ेंगे सच क्या है झूठ क्या है उसका फैसला आप लोग करेंगे लोगों को समझ आई है कि अमन उनके हाथ में है अमन उनको चाहिए और उस अमन के साथ साथ उनको अपने जायज़ मुतालबात की तर्जमानी करने के लिए अपने नुमाइंदे चाहिए ये कैसे हो सकता है बिहार से यूपी से या किसी और रियासत से लोग आके यहाँ हुकूमत करें अगर किसी रियासत में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है यूटी में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जम्मू कश्मीर में क्यों अब 5 साल हो गए बीजेपी वालों पर आए करम हमारा छुटकारा तो दे दो